Hello everyone, this is Nisha and you're watching Food and Face. Food and Face means meri aur aap logo ki family. Special thanks to all my subscribers jin logo ne mujh pe trust kiya, mere channel ko like kiya, share kiya and subscribe kiya. Special thanks to all my viewers. And aage bhi main aap logo ke liye bahut hi achhi aur informative videos lati rahungi. And aap aur bhi mere channel ko like, share and subscribe kare with your family and friend. Jaise ki un logo ko bhi meri channel se benefit mile. So please, ab aate hain hamare aaj ki video ki taraf. Friends, jaise ki aap sab logo ko pata hai ki bahar bahut hi gandi garmi hai. Mujhe to bahar jana hota hai, to main to bahut baar sochti hu bahar jaun ki nahi jaun, meri skin damage ho jayegi aur itni gandi garmi hai, uski wajah se hame dark spots ho jate hain, hamari skin tan ho jati hai. To you don't worry guys, main aaj aap logo ke liye all in one ek face mask leke aayi hu jiske results bahut acche hain. And jaise ki maine aapko meri last video mein bataya tha, main bahar gayi thi aur meri skin bhi damage ho gayi thi aur mujhe bhi sun tan ki problem hui thi. Wo maine apply kiya, usse maine bahut hi acche tarike se recover kiya hai meri skin ko. To wo main face mask aaj main aap logo ke sath share karne wali hu. So please aap ye video end tak dekhe because it's all in one mask. To iske ingredients thode zyada hai, to one by one main aapko batati jaungi, aap note kar dena. And aap इसको जरूर अपने घर पे बनाना और ट्राई करना. इट्स वेरी हेल्पफुल, इट्स 100% हेल्पफुल. और आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ये मास्क जरूर शेयर करें एंड आई एम श्योर आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो. फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टू मेक दैट ऑल इन वन मास्क. मैं उसको मैजिक मास्क भी बोल सकती हूँ बिकॉज वो बहुत ही इफेक्टिव है फॉर मी एंड अभी वो आपके लिए भी रहेगा. For that, first of all, we need this green grams. आप इसको मूंग भी बोल सकते हैं हिंदी में. इसके हमको 2 tablespoon चाहिए. Second ingredient we need is red lentils, means मसूर की दाल. Friends, third ingredient है हमारा चिरौंजी. ये जब हम खीर बनाते हैं उसमें ये यूज होती है, स्वीट्स में यूज होती है. ये हमारी स्किन में फेयरनेस लाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमको मिक्सचर की हेल्प से एक स्मूथ पाउडर बनाना है. सो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मैं मिक्स करके एक स्मूथ सा पाउडर बना देती हूँ अभी. सी फ्रेंड्स, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स करके ये पाउडर बना दिया है. ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मस्ट हैं, आप इनमें से कोई भी स्किप नहीं कर सकते हैं. लेट्स मूव नाउ. फ्रेंड्स, एज यू नो इट्स ऑल इन वन मास्क, तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े कुछ ज्यादा हैं. तो मैं वन बाय वन मैं आपको दिखाती जाती हूँ क्या क्या ऐड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ऐड करूंगी 2 tablespoon ऑफ बेसन. फ्रेंड्स, उसके बाद मैं ये पाउडर ऐड करूंगी 2 tablespoon जो हमने अभी बनाया, तीन इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके. फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 tablespoon ऑफ सैंडलवुड पाउडर. फ्रेंड्स, अब मैं ऐड करूंगी 1/2 tablespoon ऑफ कस्तूरी हल्दी. आपको कस्तूरी हल्दी ही डालनी है, आप नॉर्मल किचन वाली हल्दी नहीं डाल सकते हैं. अगर आप वो ऐड करेंगे तो आपका फेस एकदम येलो हो जाएगा और आपको सेम ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे ये पैक से मिलेंगे. सो प्लीज मेक श्योर आपको कस्तूरी हल्दी ही यूज करनी है. फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर. ये आपको कोई भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज पील पाउडर, जैसे कि ऑरेंज इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसकी हेल्प से हमारे डार्क स्पॉट्स और जो डलनेस हमारे स्किन में आ गई है वो इम्प्रूव हो जाएगी. ये आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा कोई भी वेबसाइट से और आपको इजीली कोई भी सुपर मार्केट से या कोई भी स्टोर से मिल जाएगा. फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon ऑफ मुल्तानी मिट्टी. फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 tablespoon ऑफ लिकोराइस पाउडर. आप इसको मलाठी का पाउडर भी बोल सकते हैं. ये एकदम बेस्ट सोर्स है हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने के लिए. ये एकदम नेचुरल सोर्स है जो हमारी स्किन को एकदम ब्राइट करेगा, इसकी हेल्प से हमारी स्किन पे ग्लो आएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी.
फ्रेंड्स अब आप इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करें. मेक श्योर कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए बिकॉज हमने इसमें बेसन डाला है और भी बहुत सारी चीजें डालनी है तो बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए. आप अच्छे से इसको मिक्स करें. और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वाला पैक कोई भी लगा सकता है. गर्ल्स बॉयज कहीं भी आपको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, आप पार्लर से कुछ नहीं करवा सकते हैं, तो इससे आपको एकदम इंस्टेंट और मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे. और इसके एक ही यूज से आपको एकदम देखने जैसा डिफरेंस मिलेगा आपकी स्किन में. आप जहां पे भी अप्लाई करेंगे, आप इसको अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे, नेक पे, कहीं पे भी. सो इट्स ऑल इन वन मास्क, तो आप इसको जरूर ट्राई करना. प्रॉपर मिक्स करने के बाद अब मैं इसको एक कंटेनर में इसको शिफ्ट कर रही हूँ. फ्रेंड्स मैंने शिफ्ट कर दिया और अब मैंने थोड़ा बचा के रखा है. अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगी. एंड फ्रेंड्स आप ऐसे ये ड्राई पाउडर बना के रूम टेम्परेचर पे 20 to 25 days तक आप रख सकते हैं. एंड जिसकी नॉर्मल स्किन हो वो उसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ कर्ड. कर्ड हम ऐड करेंगे. कर्ड भी एकदम नेचुरल सोर्स है हमारी स्किन को लाइटन करने के लिए, ब्राइटन करने के लिए. फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी रोज वाटर, 2 tablespoon ऑफ रोज वाटर. फ्रेंड्स फिर मैं उसमें ऐड करूंगी मैजिक जेल, मेरी फेवरेट जेल एलोवेरा जेल. एज अभी समर्स है तो मैं इसमें कुकुम्बर एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ. आप कोई भी जेल ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो. मेरे पास ये अवेलेबल थी और ये मेरी फेवरेट है तो इसके लिए इसमें मैं ऐड करके प्रॉपर हम इसको मिक्स करेंगे. सी फ्रेंड्स इसमें अभी नॉर्मल कंसिस्टेंसी आ गई है. सी आपको इसी तरीके की पेस्ट बनानी है. और अगर आपको ज्यादा लिक्विड चाहिए तो आप इसमें और थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर सकते हैं. हमें इसकी एकदम थिक लेयर हमारी फेस पे अप्लाई करनी रहेगी फॉर दी बेस्ट रिजल्ट्स. चलिए मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देती हूँ. सबसे पहले फ्रेंड्स हम टोनर की हेल्प से हमारी स्किन को क्लीन कर देंगे. फिर अपर डायरेक्शन में मैं ये मास्क को अप्लाई करूंगी. एंड अप्लाई करने के बाद 20 मिनट्स तक हम छोड़ देंगे. एंड 20 मिनट्स के बाद हम मसाज करते हुए ये पैक को निकालेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस पैक हमारी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाएगी तो इसलिए हमें आइस से मसाज करना रहेगा. एंड आइस से मसाज करने के बाद यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस इज शाइनिंग ग्लोइंग. सी फ्रेंड्स मैंने कुछ भी नहीं लगाया, इट्स अ नेचुरल पिक्चर, कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसमें. सो फ्रेंड्स हाउज द मास्क, कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आई नो इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ज्यादा है बिकॉज इट्स ऑल इन वन मास्क ना, तो इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज्यादा होंगे. बट मेक श्योर कि आप इसके सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से नोट करके रखें और आप अपने घर पे जरूर इसको ट्राई करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. एंड फ्रेंड्स आप इसके ट्वाइस इन अ वीक आप इसका यूज करेंगे ना, आपको आपके फेस पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. आपका फेस एकदम ग्लोइंग और आपका कॉम्प्लेक्शन एकदम फेयर हो जाएगा. सो ये था मेरा आज का वीडियो. अब चलते हैं हमारे टिप की तरफ. फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो तो आप ये चीज का ध्यान रखें, रात का डिनर आप 8 to 8:30 से पहले फिनिश कर दें. ऐसा करने से होगा क्या, हमारा सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप होना चाहिए. ऐसा करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है और हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है और आप अपना वेट इजीली कम कर सकेंगे. सो ये था मेरा आज का टिप. होपफुली ये भी आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करें और लास्ट वीडियो भी आप देख के उससे भी आप काफी बेनिफिट्स ले सकते हैं. सो मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. तब तक के लिए बाय बाय.